हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के जो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कभी आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, नहीं चल रहा होता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो रिचार्ज आपने कराया होगा ना इंटरनेट का, वो आपको चेक करना है सबसे पहले, तो कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया। कई बार हमारे मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट रिचार्ज हमारा खत्म हो जाता है जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले आपको कंफर्मेशन कर लेनी है। अब आपको मैं कुछ और भी प्रोसेस बताता हूं। देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीस्टार्ट करना है अगर इंटरनेट नहीं चलता है, तो रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन है इसे उंगली से दबा के रखना है। स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ना ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, इंटरनेट नहीं चलता है, और भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है ना वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे फोन में जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना सबसे नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको टैप करना है। तो ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है, तो आपको इसे जो है ना नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आप देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहां पे अगले पेज में रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप कर देना है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट नहीं चल रहा वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का जो है ना सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इंटरनेट चालू करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, ठीक है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम अपडेट का ऑप्शन, इसे टैप करना है। इससे क्या होगा आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा। इस सेटिंग को टैप कीजिए तो यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको उसे टैप करना है, सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो आपका जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है ना जो नहीं चल रहा है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना यह है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन का जो है आप रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड यह ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड यह ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको जो है ना अगले पेज में सबसे नीचे की साइड यह ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, ठीक है। तो आपको इसे जो है फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका फैक्ट्री रीसेट पर टैप करने से आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट नहीं चल रहा वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर देना है, और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है वो आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए ना, ये सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।